देवभूमि में देवता जागृत हैं ये मेरा एक्सपीरियंस है इतना पॉजिटिव है लोग पाश्चात्य देशों में हाँ। जब लोग सुनेंगे कि किसी आदमी के ऊपर वो देवता आ गया वो समझेंगे बहुत बुरी चीज है क्यों क्योंकि ईसाई धर्म में हाँ। और इस्लाम में ये अवतरण नाचना पोजेशन जिसको कहते हैं वो हमेशा शैतान से नेगेटिव उसका कोई पॉजिटिव एग्जाम्पल नहीं है हुँ. और जब मैं पढ़ाता हूँ या लिखता हूँ तो पहला पॉइंट है कि नहीं ये बहुत पॉजिटिव है लोग इन देवताओं को बुला रहे हैं हुँ. और निमंत्रण दे रहे हैं, जब देवता या देवी नहीं आता है तब पहली वाली तो नंदा भगवती थी मेरी इष्ट देवी स्थिति यहाँ पहाड़ों में बहुत इतना बेहतर है प्लेंस के मुकाबले में यहाँ और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के फोकलोर में यो ध्यानी ध्यानी की स्थिति इतना मशहूर है इतना इम्पोर्टेंट है कि सारे देवी देवताओं के परंपराओं में ये ध्यानी द्यान। बिल्कुल सें, सेंटर में है आज करके एक दलित औरत जब उसको अत्याचार किया जाता है बोलती है कि मेरी मेरी कोई नहीं है तब आता है भैरव आता है कच्चा के रूप में जो बहुत भयानक रूप है या तो वो आता है एक नाथ बाबा के रूप में कान में कुंडली हाथ में चिमटा या कई रूप में कभी साधु के रूप साधु बेश में आता है जैसे नाथ बाबा और गांव में बैठ के धीरे धीरे न्याय न्याय लाता है ही जो अत्याचार करने वाले हैं उनको, उनको सजा देता नमस्कार बारह मासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है कुछ मीठी कुछ तीती सेगमेंट में आज हमारे साथ एक बेहद दिलचस्प बेहद विशेष मेहमान है एक ऐसे व्यक्ति जो पैदा हुए यूनाइटेड स्टेट्स में और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान अपने कॉलेज डेज में पहली बार उनका हिंदुस्तान आना हुआ और हिंदुस्तान में जब उन्होंने तीर्थ यात्रा उनका सब्जेक्ट था वो उन्होंने तीर्थाटन किया तो इतना प्रभावित हुए कुछ चीज़ों से इतना अट्रैक्ट हुए कि आज उत्तराखंड में कई लोग उन्हें बद्री प्रसाद के नाम से जानते हैं कुछ लोग उन्हें केदार के नाम से जानते हैं पूरी दुनिया उन्हें मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट विलियम सैक्स के नाम से जानती है उनसे उनके जीवन से जुड़ी कुछ मीठी कुछ तीति बातें करेंगे उनके उत्तराखंड कनेक्शन से रिलेटेड बातें करेंगे और इतना विस्तृत उनका उत्तराखंड पर काम है दर्जनों उन्होंने किताबें लिखी हैं सैकड़ों उन्होंने व्याख्यान दिए हैं उत्तराखंड के संस्कृति पर उत्तराखंड के लोक देवताओं पर नंदा देवी पर भैरव देवता पर महासू देवता पर इन तमाम चीजों पर उनसे बात करेंगे बहुत विस्तार से विलियम सर बहुत बहुत स्वागत है आपके बारह धन्यवाद क्या मैं आपको दादा बुला सकता हूँ हम लोग नौ बजे उत्तराखंड में बोल सक, आपकी दाड़ी भी, है। हा, हा, भी बोल सकते हैं ओके नहीं दादा वैसे दो तरह के दादा एक तो दादा फादर वाला दादा नहीं दादागिरी भी नहीं करता हूं। ओके लेकिन <laughs> यहाँ उत्तराखंड के कुमाऊं वाले सेगमेंट में दादा मतलब बड़ा भाई बिग ब्रदर दाजू दाजू राइट तो हम लोग ये जो हमारा सेगमेंट है इसका नाम है कुछ मीठी कुछ थी इसमें आपके जीवन से रिलेटेड आपके अनुभवों से रिलेटेड कुछ मीठे एक्सपीरियंसेस कुछ कड़वे एक्सपीरियंसेस उन पे हम लोग बात करेंगे तो शुरुआत करने के लिए क्रोनोलॉजिकली चलते हैं सबसे पहले आप थोड़ा सा इस बारे में बताइए पहली बार आपका हिंदुस्तान आना कैसा कैसे कैसे हुआ था था वो मौका बना था कि आप पहली बार इंडिया आए और तब यहाँ आके उत्तराखंड आना कैसे हुआ यहाँ से शुरू करते हैं तो इस बारे में आप कुछ बताइए ठीक हाँ जब मैं 16-17 वर्ष का था तो मेरी बहुत इच्छा थी मैं पहाड़ों में घूमता था ट्रैकिंग करता था अमेरिका में फिर बड़ी इच्छा थी कि किसी दिन हिमालय में भी थोड़ा एक्सप्लोरेशन करूं। जी फिर सुनने में आया कि एक एक्सचेंज प्रोग्राम है स्टूडेंट एक्सचेंज यूनिवर्सिटी ऑफ एस्कानसन और बच्चों को एक साल तक भारत भेजते हैं है। काशी बनारस वाराणसी तो मैंने कहा कि ठीक है उसमें जुड़ जाऊंगा और आ, फिर एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना था हर स्टूडेंट को कि किस बात के ऊपर रिसर्च करूं मैंने कहा हाँ मैं हिमालय चुनूंगा और तीर्थ यात्रा ताकि मैं बद्री केदार वगैरह देवभूमि की प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानों को तो देख सकू और पढ़ते पढ़ते फिर मैंने पढ़ा पुस्तकालय में कि एक रूपकुंड के बारे में पढ़ा अच्छा। कि एक कुंड है पंद्रह हजार फीट के ऊंचाई पे और हर बारह साल एक चार सिंह का मेढा जन्म लेता है आ, और लोगों को ले जाते हैं ऊपर इतनी ऊंचाई तक और उस कुंड के चारों तरफ हड्डियां हैं यार, यार उसको जरूर देखना। देखना है। तो मैंने उसको चुना तीर्थ और एक साल तक पूरे भारत की टूर किया गंगा सागर भी गया और दक्षिण भी, भी गया और द्वारका भी गया जगह अच्छा। जगह लेकिन खास करके उत्तराखंड आता था बार बार और सबसे पहले त्रिप्ता तो सतहत्तर की बात है और सतहत्तर में एक दोस्त के साथ आया कुरान और फिर पुरानी एमएलए एल ए के एसफोर्निया को मिला अच्छा जोशीमठ में जी, जी। तो फोनिया ने हमको मना किया कि अब मत जाओ अच्छा अक्टूबर की बात थी अच्छा मौसम मौसम की वजह से मना किया हाँ, बर्फ पड़ा होगा मत जाना, जाना बहुत खतरनाक है हम आइए हाँ, 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 हाँ। फिर भी जी हाँ हम गए और एक वाण का आदमी मिला हिम्मत सिंह अच्छा और, हाँ वाण का और हिम्मत सिंह ने हमको ले गया ऊपर रूपकुंड तक अच्छा और जैसे हम रूपकुंड पहुंचा बर्फ की तूफान आई और गायब हो गए न तो मेरे दोस्त को दिख रहा था न हिम्मत सिंह दिख रहा था फिर दोस्त से वी फिर हम हिम्मत हिम्मत सिंह सिंह नहीं मिल रहा था बर्फ की तूफान आखिर में तो मिल तो गया और हम नीचे गया बेदनी बुग्याल मैंने एक दिन में बेदनी बुग्याल से रूपकुंड तक और वापस बेदनी बुग्याल अब गिन लो कितने किलोमीटर पता नहीं कितना किलोमीटर है बहुत ज्यादा और इस खटिन करके इतना बीमार था कि एक हफ्ते तक इसे लेटे रहा वही हिम्मत सिंह के घर लेकिन ये तो पहला अनुभव था और उसके बाद मैं कर्म प्रयाग गया सुन में आया था कि नंदा देवी का जो आ, क्या बोलते थे उनको देवराम नौटियाल अपने को नंदा देवी का प्रधानमंत्री बताते थे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तो देवराम जी से मिलने गया अच्छा और कुछ प्रश्न पूछा उनसे फिर उन्होंने बोला थी मेरी हिंदी बहुत कमजोर थी उस समय और कुछ टूटी फूटी हिंदी में प्रश्न पूछा उनसे उन्होंने कहा कि आप शुद्ध हिंदी में अपना प्रश्न लिखो और मैं जवाब दूंगा अच्छा फिर बनारस जाके अपने हिंदी मास्टर से बैठा और एक पत्र हमने लिखा चिट्ठी प्रश्न उसमें उसमें थे और कुछ हफ्ते बाद देवराम जी से एक, एक सवाल आया तीस पन्ने के हस्तलिखित जो हर पॉइंट में डिटेल में जवाब उन्होंने उन्होंने तो आपको हिंदी सीखने को इसलिए कहा कि वो आपको मतलब कि आप कितना डेडिकेटेडली क्यूरियस हैं जानने के लिए ये शुरुआत है देवराम जी से और नोटी से और ओके okay. उसके बाद देवराम जी के घर में रहा जब मैं बहुत साल बाद नंदा जात के ऊपर एक पुस्तक छपाय तो उनके नाम से छपाय उनके क्या बोलते हैं डेडिकेटेड टू हिम ओके बहुत मदद की उन्होंने मेरी बहुत मदद की नॉटयाल ने भी बहुत मदद की। अच्छा तो वो लोग तो नॉटयाल लोग तो आपको बद्री प्रसाद नॉटयाल ही मानते हैं तो ये बद्री प्रसाद की भी थोड़ा सा कहानी बताइए कि बद्री प्रसाद कैसे कहलाना शुरू हुआ नहीं मैं जैसे मैंने कहा मैं उत्तराखंड आते रहता था और मेरी हिंदी मास्टर वीरेंद्र सिंह बहुत अच्छा आदमी है वेरी गुड हिंदी टीचर सुपर तो वो मेरे हिंदी मास्टर था और एक जैसी चौचमिज बस था गंगा सागर की यात्रा लोगों ने टिकट खरीदा और दो ढाई हफ्ते की यात्रा थी एक बस से और जगह जगह गया और आखिर में गंगा सागर और वापस बनारस तो बिल्कुल साधारण आदमी छोटी दुकानदार वगैरह लोग जा रहे थे मैंने भी टिकट खरीदा और जैसे मैंने बस में चढ़ा तो वीरेंद्र सिंह मेरे साथ गए और कहा ऐसे कुछ कहा कि भाई बहन ये आपका बद्री प्रसाद है मैंने पहली बार ये नाम सुना बद्री प्रसाद क्योंकि अच्छा। मैं बद्रीनाथ से रिटर्न था ये आपका बद्री प्रसाद है वो हिंदी कम बोलता है तोरा आपके साथ जाएंगे और तोरा उनका देखभाल कीजिए अच्छा ये पहली बार सुना बद्री प्रसाद और बाद में वैसे नोटियाल में कई साल रहा और वापस आते रहा सालों तक तीस बीस तीस सालों तक नोटिया हमेशा वापस आते रहा कभी दो हफ्ते कभी दो महीने कभी आठ महीने और नोटियालों ने वैसे नाम नामकरण किया बद्री प्रसाद नोटियाल लेकिन मैं कहता हूं हमेशा कि जब मैं सफेद टोपी पहनता हूं तो बद्री प्रसाद नाम लगता है और जब गाली टोपी पहनता हूँ तो केरार सिंह और जब गुलाबी टोपी पहनता हूँ तो प्रेम दास अच्छा। करोटी अच्छा। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपका बार बार आना होता रहा जब आप पहली बार आए उसके बाद से आप लगातार आते रहे क्या चीजें थी जिन्होंने सबसे ज्यादा फैसिनेट किया आपको आ, इसी को अपने उस समय तो आप स्टूडेंट थे तो लेकिन आपने ये सोच लिया था उस समय पे डिसाइड कर लिया था दैट आप इसको लॉन्ग टर्म में पर्स्यू करेंगे इतना डिटेल्ड कि वो तो आपका सब्जेक्ट फॉर लाइफ हो जाएगा उसमें वो क्या मेन अट्रैक्शंस थे जिन्होंने सबसे ज्यादा फैसिनेट किया हां ये हुआ ना जैसे मैंने कहा कि मेरी रुचि थी मेरा उद्देश्य था शुरू में कि मैं हिमालय पर्वतों में ट्रैकिंग करूं घूमने जाऊं और किया तो बहुत लेकिन जल्दी से मुझे मैं मेरी समझ में आए कि ठीक है पहाड़ तो पहाड़ हैं जैसे आपके अमेरिका की इराकी से या यूरोप के एल्प्स या भारत के हिमालय ठीक है सबसे बड़ा तो है लेकिन पहाड़ करीब करीब वैसे ही देखते हैं दुनिया में काफ़ी जल्दी से मेरी समझ में आए कि ये फर्क ये है कि इन पहाड़ों में लोग हैं आदमी हैं और इन आदमियों की एक संस्कृति है और इस संस्कृति है माने देवभूमि की संस्कृति मुझे इतना अच्छा लगा और लोग भी इतना अच्छे लगे कि, कि इस पॉइंट पे मैं थोड़ा अपना ध्यान करूंगा रिसर्च करूंगा और फिर ये नंदा राज जात का सब्जेक्ट मैंने चुन लिया और बाद में दो तो ढाई साल रहा बनारस में और जब वापस गए मैंने कहा कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन चुनना चाहता था कि मैं बार बार वापस जा सकता हूँ भारत और देहात में माने देहात लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन हो सके ये तो एंथ्रोपोलॉजी और क्या एंथ्रोपोलॉजी हुई था और अपनी पीएचडी के लिए नंदा देवी उनकी परंपरा उनका इतिहास वगैरह जात ये मेरा सब्जेक्ट था और उसके बारे में अपना पीएचडी थीसिस लिखा और छपवाया और खूब लास्ट में जब लास्ट पॉइंट पे आ गया था रिसर्च में तो किसी बुढा गांव का आदमी ने मुझे कहा हाँ कोई जवान अगर हमारे संस्कृति में वाकई रुचि है तो पांडव लीले के ऊपर रिसर्च करना चाहिए पांडव लीला पांडव नृत्य क्या चीज़ है मेरे बारे में मुझे उसके बारे में ज्ञान नहीं था फिर दिस मेड मी क्यूरियस ना और बाद में ये तो मेरा दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट था पांडव नृत्य गढ़वाल में गढ़वाल के पांडव लीला ने आपको आपकी आपकी बेटी का नाम भी आ, बेटी का नाम ही लीला है और दूसरी बेटी का नाम है लक्ष्मी दूसरी लक्ष्मी ओके। तो ये लीला नाम आपने पांडव लीला के बारे में जब आपने विस्तार से जाना वहीं से प्रभावित हो ये नाम आपने बेटी हाँ ये मेरा इंटरेस्ट था पांडव लीला और मैं हार्वर्ड में रहा दो साल और हार्वर्ड में एक कॉन्फ्रेंस किया और ये कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट था लीला भारत में हिंदू संस्कृति में लीला साहित्य में इतिहास में mm. uh, में क्योंकि मेरी अपनी रुचि थी पांडव लीला mm. और लीला छोटी छोटी थी उस समय तो मैंने uh, ये पुस्तक उनके नाम से छपाया अपनी बेटी का नाम लीला okay. काफी इट्स इट्स वेल नोन बुक नाउ द प्ले ऑफ द गॉड्स इन हिंदुज तो यहाँ पे uh, एक तो आपने रूपकुंड पे आ, सबसे पहले रिसर्च किया उस फाइंडिंग्स में एक तो वो क्यूरसिटी थी जैसा आपने बताया कि वहां पे स्केलेटन्स हैं एक ऐसी मिस्टीरियस लेक है उसके बाद आपने कई साल तक उस पे काम किया तो और आ, आपके काम के बाद और भी कई सारे रिसर्चर्स वहां गए डिफरेंट फाइंडिंग्स उसके बारे में है आप के पास उस पर्सपेक्टिव को देखने का एक लंबा ड्यूरेशन है सेवेंटीज से और अब पचास चालीस पचास सालों का सैंतालीस सैतालीस सालों का टाइम इस ड्यूरेशन में आज आप आ, कुछ कंक्लूजन की तरफ अगर हम अपने ऑडियंस को बताना चाहें कि रूपकुंड की मिस्ट्री को आप को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसे देखते हैं आ, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लगता है कि लोगों का अब हिंदी में कैसे बोलूं कलेक्टिव मेमोरी कलेक्टिव मेमोरी को क्या क्या बोले सामाजिक याद इतिहास माने मान मतलब जन श्रुति या जो जी जो यहाँ के लोक में जो उनके लोक गीतों में और लोक किस्साओं में जो कहानियां हैं उस हमेशा हमेशा एक पॉइंट ऑफ ट्रूथ माने वैज्ञानिक लोगों ने कोशिश किया और सब बहुत लोग आर्कियोलॉजिकल रूप से या डीएनए टेस्टिंग या कार्बन डेटिंग में हम कोशिश करते हैं Uh, कि समझना चाहते कि ये लोग कैसे मेरे कब से आए वगैरह वगैरह तो मैं हमेशा कहता था, था कि इन लोकगीतों को सुनो उन लोकगीतों का ध्यान करो जो यहाँ के रहने वाले हैं इनको पता है वो याद करते हैं वो गलत फहमी नहीं है वो इसमें है कुछ थ्रूस uh, कुछ आधार है तभी वो पर इतने समय से पास ऑन होती आ रही है और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे हमने कब की बात थी दो हजार चार के करीब हमने ये रूपकुंड वाले फिल्म बनाया नेशनल जियोग्राफिक के लिए और हड्डियों का कार्बन डेटिंग दूसरी बार किया और जब वैज्ञानिक रूप से देखा तो सारे डिटेल्स तक जो लोकगीतों में है सब कंफर्म हो गए हैं और जैसे हमारे प्रोड्यूसर हमारी फिल्म के लोगों को इतना विश्वास नहीं था अरे लोकगी किसान लोग क्या जानते हैं हम वैज्ञानिक तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे मैं बोलता था कि नहीं लोकगीतों में है सच्ची सचता और आखिर में क्या हुआ कि वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशंस ने लोकगीतों की कहानी को बिल्कुल कंफर्म किया लास्ट पॉइंट तक जैसे वो कहते हैं ना लोकितों में कि ओला दृष्टि आए माने ओला दृष्टि लोहे जैसे एल आया और लोगों ने मरा क्योंकि वो इन ओलो पढ़ने की वजह से हाँ। इस ओला पढ़ने और ये भी कंफर्म हो गया क्योंकि उनके कोपड़ियों पे थोड़ा सा क्रैक है कोई कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से ये भी हमने मैंने वैज्ञानिक दृष्टि से कंफर्म कर सकता उनके स्कल्स में वो उसके वो मिले सारी डिटेल्स था और लोक पे आपने फिर रूपकुंड से इतर भी आपने लोक पे काफी काम किया भैरों को भी आपने जिस तरह से देखा है कि आपकी आपकी किताब भी है गॉड ऑफ जस्टिस वो आ, उस पे है थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ये तो तीसरा पुस्तक था अच्छा दूसरा था वो डांसिंग द सेल्फ और ये ये अच्छा, था गढ़वाल की पांडव लीला पांडव नृत्य के बारे में अच्छा। मुझे भी अभी तक ये प्रश्न ये जो रिवाज है जो परंपरा है पांडवों को नचाने का गढ़वाल में ही मिलता है न तो कुमाऊं में मिलता है न हिमाचल गढ़वाल में ही सीमित है अभी तक मुझे मैं, समझ नहीं रहा क्यों लोग तो मानते हैं कि पांडव हमारे पूर्वज हैं और जो पांडव लील है या पांडव नृत्य एक प्रकार का क्या बोलते हैं जो पितरों की पूजा है हमारे पितरों को पूज रहे हैं एक प्रकार का भेंट है हम इस परफॉर्मेंस ये पांडवों को नचा के इनके उनको जो आदर देने के लिए नचा रहे हैं शायद हो सकता है कि वाकई पांडव यहाँ के राजपूत लोगों के को कोवज है हुँ, हुँ। तो ये भी किया जगह जगह पांडव लीडर और एक पुस्तक मैंने लिखा कि लोगों की आइडेंटिटी है उसमें ही राजपूतों का आइडेंटिटी गढ़वाल एक प्रकार से इसको गढ़वाली आइडेंटिटी जैसे प्रकट होता है नचा के मर्द का आइडेंटिटी राजपूत का आइडेंटिटी वगैरह वगैरह औरतों की मतलब ये थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कीजिएगा कि आइडेंटिटी मतलब क्या आप, आप... बता रहे हैं कि आइडेंटिटी प्रकट होती है हुँ, जब हुँ, इस तरह से जब जब नचाया जाता है या देवताओं हाँ। के फॉर्म में जब नचाया जाता है इस को थोड़ा सा और तो पित, पिता, का बहुत है उसमें क्योंकि जैसे एक इंसिडेंट है वो कहते हैं हिल्स में अर्जुन नागार्जुन नागाजुन हाँ। संस्कृत के महाभारत में यह है अर्जुन और बब्रवाहना बब्रवाह उनका लड़का है और ये लड़ते हैं पिता पुत्र लड़ते हैं अब संस्कृत साहित्य आप जानते हैं वो तो एक समुद्र है इतना कितना विस्तार दिस, है लेकिन इस संस्कृत में अब एक इंसिडेंट मिलेगा जब पुत्र अपने पिता को मारते हैं और ये है एक अकेला इंसिडेंट और ये इंसिडेंट है दिखाया जाता है नचाया जाता है कई रूप में कभी ओ, कई इन मेनी मेनी कुछ कुछ लीला और इसलिए मैंने सोचा ठीक है एक प्रकार से जब मैं उसको न चाहता हूँ जब मैं अर्जुन का पार्ट लेता हूँ अर्जुन का चरित्र मैं नाचता हूँ तो उसमें एक राजपूत या क्षत्रिय एक okay. पहाड़ी पहाड़ी का मर्द प्रकट कर रहा हूं वगैरह वगैरह अच्छा औरतें भी नाचते हैं द्रौपदी और आम, आ, और फीमेल कैरेक्टर्स कुंती माता हुँ। हुँ। तो उसमें भी फेमिनिटी औरतों का आइडेंटिटी मैं कैसे ना नाचूंगी ताकि मैं अपने फेमिनिटी को दिखा सकता हूँ कैसे होना चाहिए ये मतलब है तो उसको भी लिखा बहुत मजा आया जगह-जगह पांडव लीला देखने जाता था इट वाज ग्रेट और ये आ, ये कब की बात है लगभग 90s के अराउंड हां 90s के ना। 90 90s, 90's में. में उसके बाद आपकी एक किताब आई भाई भैरव भैरव वाली परंपरा पे हाँ। उस पे आपने बहुत कुछ बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से जो मैंने आपके कुछ एक आपकी कुछ स्पीचेस सुनी जिनको पहाड़ मैगजीन ने भी पब्लिश किया है तो उसमें आपने कंक्लूड किया कि भैरव जो है जो न्याय का देवता है वो शायद पहले दलित समाज का देवता था जिसको बाद में अपर कास्ट ने भी एक्सेप्ट किया इस ये फाइंडिंग की इस कंक्लूजन को आपने कैसे मतलब इस तक आप कैसे पहुंचे हाँ ये तो मेरा प्रश्न था मैंने पढ़ा था जी कि किसी की कि कुछ लोगों मानते कुछ लोग मानते हैं कि दलित वर्ग का धर्म और हिंदू वो हिंदुत्व तो में इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म हिंदू धर्म का भाग नहीं है वो अलग है मैंने कहा ठीक है मैं वैज्ञानिक रूप से उसका करूंगा कि मैं तुलना करूंगा मैं इस प्रश्न के, के पीछे मैं रिसर्च करूंगा mm -hmm. अलग है कि नहीं अलग है कुछ अलग तो नहीं है हैं तो हिंदू लेकिन उस कारण से मैं दलित लोगों के धर्म के ऊपर रिसर्च करने की इच्छा थी और भैरव नी कच्चा भैरव एक विशेष प्रकार का भैरव उसके ऊपर पॉइंट किया फिर मैंने कई सालों तक खास करके चमोली जिले में जगह जगह जाता था भैरव की क्या कहानियां हैं क्या इतिहास है कैसे पूछते हैं पुजारिया कौन हैं वगैरह और आखिर में ये हुआ भैरव तो सारी दुनिया में है भैरव आपको जावा इंडोनेशिया में मिलेगा तिब्बत की बौद्धों के बीच में वो तो मुख्य तांत्रिक देवता है भैरव लेकिन एक विशेष रूप है चमोली में कचिया भैरव अच्छा और इस कचिया भैरव तो दलित लोगों का विशेष देवता है क्यों और कहानियों में ऐसे गाते हैं या बताते हैं अपनी कहानियों में गीतों में कि जब जब दलित लोग को अत्याचार किया जाता था कभी बाहर से गोरखाओं से या ऊंची जाति के लोगों से और जब बिल्कुल हेल्पलेस है और जब प्रार्थना करते एक विशेष लाइन है मेरा कोई नहीं है और जब आखिर में ये एक औरत या एक आदमी जिसको अत्याचार किया गया खास करके एक दलित औरत जब उसको अत्याचार किया जाता है बोलती है कि मेरी मेरी कोई नहीं है तब आता है भैरव आता है कच्चा के रूप में जो बहुत भयानक रूप है या तो वो आता है एक नाथ बाबा के रूप में कान में कुंडली हाथ में चिमटा या कई रूप में कभी साधु के रूप साधु वेश में आता है जैसे नाथ बाबा और गांव में बैठ के धीरे धीरे न्याय लाता है न्याय है जिसे ही न्याय जो अत्याचार करने वाले हैं उनको सजा देता उनको सजा देता है अच्छा और ये हमको फोक्स में ये सारा हमें इसकी कहानी कहानिया है। बहुत कहानियां है और मैंने भी देखा जब कुछ जब देवताओं को नचाते हैं जैसे वो हुडकिया नहीं है हुडकिया परसों में गया था एक एक पुराना दोस्त है मेरा सचू नाम है वो गांव दुपतोले का सचिदानंद हिमालय लोग सचू बोलते हैं, बहुत अच्छा कलाकार है बहुत अच्छा कलाकार गायक तो उन्होंने मुझे फोन किया कि यहाँ कि नौटियाल जी हमारे देवताओं को नचाएंगे परसों आप आइए और फिर गया कई लोगों को नचाया लेकिन आ, उनका मेन देवता है कच्चा है और कच्चा इन लोगों को जो आ, कमजोर है जिनका कोई शक्ति नहीं है जो गरीब है जिनका कोई और रिसोर्सेस नहीं है इन लोगों का की रक्षा करता है ये भैरव एंड और जब गाते हैं तो लोग बहुत उत्सुक हो जाते हैं कई लोगों में वो देवता आते हैं वो नाचते हैं खुश होके नाचते हैं कि हाँ ये हमारे देवता है हम की रक्षा करेंगे और इस भैरव पे बहुत बहुत विश्वास है उप्रकाश के लोग बहुत कम आते हैं ऐसे जब ऐसे हाँ, जब कच्चा नाचते तो कम लोग आते हैं लेकिन जो दलित जो नीचे जाति के लोग हैं वो खूब मनाते हैं नाचते हैं और इट्स अ कुछ इनका सॉलिडेरिटी है उनके साथ और देवता के साथ भी अच्छा ये जो आपने दादा जितना रिसर्च उत्तराखंड के इस पे किया है इसको अगर हम कभी आपने ऐसे इस तरह से भी जज किया कि ये जो परंपराएं हैं उत्तराखंड में देवताओं से जुड़ी हुई जो परंपराएं हैं इसको आपने ऐसे एनालाइज करने की कोशिश की कि इसके सोसाइटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स तो ऑब्वियसली होते हैं कई तरह के होते हैं क्या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं कभी आपने ऐसा कुछ चीजें जो कि मिसरिप्रेजेंटेड हो या गलत तरह से परसीव हुई हो इसलिए अब लोगों के अन, लोगों के बीच में भी ये होता है जैसे एक पूजा में अटेंड किया हुँ. ये भी दलित वर्ग का था एक बीएसपी का नेता ने उसका चलाया उन्होंने स्पीच के कि देखो भाई बहनों पहले जमाने में हम ये करते थे सो करते कुछ गलत रिवाज गंदी चीजें खाते थे ये करते अब हम नहीं करेंगे माने अपने आप ये समझ में आते बाहर से कोई जरूरत नहीं है कि कोई आदमी बाहर से उनको सिखाए कि ये करना सो करना और अपने आप समझ जाते हैं और अपने ता, 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 ट्रेडिशन को भी बदलाते हैं जैसे पहले लोग कहते कच्चा आता था जो किसी के ऊपर कच्चा आता था तो गंदी चीजें खाते थे okay. हम आजकल नहीं करते करते थे हाँ. लेकिन आजकल नहीं ये आजकल हम गलत समझते हैं और okay. मैंने अपने आप समझ गए और आ, हाँ, हाँ। दिरे दिरे उसके साथ में नहीं। ये नहीं है कि पुरानी परंपरा छूट जाए ये हम कचिया को छोड़ें कोई संभव नहीं है लेकिन हमारे परंपरा हमारी प्रैक्टिस को समय के साथ साथ करते हैं बाहर से कोई जरूरत नहीं है कि उनको सिखाए कि ये करना ये नहीं करना ना अपने आप समझने अच्छा और अभी आजकल क्या प्र... बाकी बस वही है कि ये जो जाति जी सिस्टम है वो तो गलत तो है और हिंदू लोग भी समझते हैं कि गलत है और बाहर जब बाहर के लोग जो भारत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं वो इतना ही जानते हैं कि वहाँ जाति पाति चलती है जाति सिस्टम आप और पूछते हैं आप पूछ शकी ये क्या चीज है और समझाना भी मुश्किल है मेरे लिए समझाना भी मुश्किल है वैसे तो मैं वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि से मैं समझता हूँ समझा भी सकता हूँ इसकी इतिहास क्या है इसकी कानून क्या है उसका लॉजिक क्या है शुद्ध अशुद्ध वगैरह समझा तो सकता है लेकिन एज ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के रूप से इंसान के रूप से मैं समझता अन्याय का सिस्टम तो है ही है आपको पहले एनकाउंटर इससे कब हुआ मतलब पहली बार आपने इसको कब समझा कि इंडिया में कास्ट इतना प्रविलेंट है जब आप यहाँ आए थे अपना स्टूडेंट डेज में उस समय पे भी आपको आ, आपके रिसर्च में आपके बैकग्राउंड रिसर्च में आपको पता था कि इंडिया में जाति व्यवस्था है और बड़ी मजबूती के साथ में है पहली बार मैं कह नहीं सकता हूँ इतना तो कह सकता हूं कि शुरू में मैं नौटी गांव में काम करता था खास करके ब्राह्मणों के साथ इसके बाद पांडव नृत्य के ऊपर जब रिसर्च किया तो ये राजपूतों के साथ और तीसरा प्रोजेक्ट कचिया भार्यों के ऊपर तो दलितों के साथ फिर मैं दलितों के वहां जाता था उनके वहां खाना भी खाता था और कुछ पुराने दोस्त जो थे वो ब्राह्मण राजपूत एक बार मैंने सुना दो दोस्त मेरे बारे में बोल रहे कि आपको पता है वो नोटियाल जी आजकल तो दलितों के वहां जाता है वहां भी खाना भी खाता है क्या करें तो दूसरे ने ना कहें वो तो उनका धर्म है वो तो वैज्ञानिक है उनको ऐसे करना पड़ता है और कुछ पुराने दोस्तों के रसोई में जाना तब से वर्जित था ऐसे दोस्त हो रहे हाँ। अभी तक मेरे दोस्त हैं लेकिन जब से मैं दलितों के साथ खाना खाया तो तब से, तब से जब, नहीं जबकि पहले रसोई में भी बैठ के खाता था हाँ। अब बाहर खाना पड़ता है तो ये क्या हाँ। It's ridiculous. हाँ। वो क्या है लेकिन दोस्ती तो है हाँ। मित्रता तो है लेकिन इसके वजह से वर्जित हाँ। है अच्छा आपके कुछ जैसा हमारा ये सेगमेंट ही है कि इसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस के बारे में हम जिक्र करते हैं आपने इतना लंबा समय काम किया है कुछ डिफिकल्ट फेजेस भी रहे होंगे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में भी आप चाहेंगे कि आप बताएं जहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज आई या कुछ बिटर मोमेंट्स थे कुछ कड़वी यादें थी वो क्या था एक आम, जब मैं इतने साल यहाँ बिताया तो सब जो रीति रिवाज है जैसे लोग अपने साथ एकदम स्वाभाविक हो जाते हैं मैं भी एक हद तक मैं I've been, मैं पहाड़ी आई इसमें तो आधा पहाड़ी बन गया हूँ और जो यहाँ का सिस्टम है वो नेचुरल लगता है लेकिन जब बाहर से देखता हूँ वापस जर्मनी जाके और अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ या अपनी किताब तब ऑब्जेक्टिवली देखें तब सोचना पड़ती है ये तो बहुत बड़ी चीज है एक तो जाति पांति है सबसे बड़ी चीज है दूसरी औरतों के साथ कैसे संबंध रखते हैं लोग क्या हुआ पिछले साल जर्मनी में एक मर्डर केस हुआ ओके okay. और क्या हुआ कि एक भारतीय इमिग्रेंट ने अपने बच्चों को मारा oh. मैं बुलाया गया एक्सपर्ट विटनेस कि ये तो प्रोफेसर है वो भारत की संस्कृति के बारे में कुछ जानता है और मुझे कोर्ट में जाके एक सबमिशन uh, देना पड़ा कि भारत में औरतों की भारतीय संस्कृति में औरतों की अच्छा स्थिति स्थिति क्या है और तो मैंने कहा अरे बाप रे अब तो बिल्कुल जो सही बात है एकदम सत्य लिखना पड़ेगा सत्य बताना पड़ेगा और जब आखिर में जब मुझे कोर्ट में लोगों के सामने भारत में औरतों की स्थिति के बारे में बोलना पड़ा तो आंसू आने लगे कोर्ट में भी क्योंकि ऑब्जेक्टिवली इतनी बुरी स्थिति है फिर आ, आने लगे तो पांच मिनट का पॉज करना पड़ा ताकि मैं आके बोल सका में मैंने माफी मौफ, मैंने मांगी और जो प्रोसिक्यूटर थे थी, नहीं ठीक था फैसल साहब ठीक था इट मेक्स यू मोर लेकिन जब यहाँ हूं तो बस यहाँ की लोगों के साथ यहाँ का बस मैं मानता हूँ बहुत बड़ी स्थिति औरतों की और नीचे जाते हो राइट अच्छा इसको भी दादा आपने इस ये टॉपिक आया है तो इस पर थोड़ा सा और बात करते हैं कि यहाँ पर औरतों की जो स्थिति है वो आपने तो भारत के कई इलाकों में काम किया है और सब जगह या सब धर्मों में या सब जातियों में कमोबेश तो सभी जगह है कि एक इनफीरियर पोजीशन पे तो हैं लेकिन कंपैरेटिवली जैसे शहर के मुकाबले गाँव में और प्लेन्स के मुकाबले पहाड़ों में आपने डिफरेंस नोटिस किया बहुत ज्यादा उस पर और औरतों की स्थिति यहाँ पहाड़ों में बहुत इतना बेहतर है प्लेन्स के, के मुकाबले में यहाँ और हिमाचल प्रदेश औरतों की स्थिति इतनी अच्छी है माने

Right. मैंने एवरेज में कितने साल में मरती है और क्या जो हेल्थ स्टैटिस्टिक्स और एजुकेशनल इस तात्पर्य को भी it, you know. है, कि आप डेटा ही मतलब hmm. अपने आप में बताता है, है यहाँ की औरतें जनरली कुछ एक्सेप्शन uh, है जैसे दलित तो औरतें hmm. लेकिन जनरली स्पीकिंग यहाँ की औरतें खुश हैं स्वस्थ hmm. हैं उनकी जो कुछ राजनीतिक शक्ति भी है रिप्रेजेंटेशन भी है सोशली भी काफी आगे है बहुत फर्क है बहुत फर्क है सबसे अच्छी जगह है मेरे ख्याल से भारत में हिमाचल और उत्तराखंड और अब देखिए जो पूर्व यूपी या हरियाणा या राजस्थान में तो स्टेटिस्टिकली भी इसका जो प्रूफ प्रमाण होता है That their health statistics are much worse और उसके साथ साथ जो एक बात है जो um, उत्तराखंड के फोकलोर में जो ध्यानी की स्थिति hmm. इतना मशहूर है इतना इंपॉर्टेंट है hmm. कि सारे देवी देवताओं के uh, परंपराओं में ये ध्यानी बिल्कुल hmm. सें, सेंटर में है hmm. और क्या होता था कि होता भी है कि एक औरत जब शादी करते तो बार बार वापस जाती है उसका जो संबंध है उनके माँ बाप के गांव में माने मै मैं का मैं थी का संबंध टूटता नहीं जीवित रखा जाता है और बाकी में इन इन जगहों को जाएं जैसे पूर्वी यूपी तो एक औरत शादी करते और वापस जाती भी नहीं सालों तक एक बार नहीं जाती और क्या है ध्यान का कोई मतलब नहीं है लेकिन यहाँ इट्स राइट इन द सेंटर ऑफ द कल्चर दस ऑफ द ध्यान मेरे ख्याल से ये जो है जो रिस्पेक्ट दिया जाता है ध्यान को hmm. वो देवता ही चाहे देवता या देवी hmm. वो हमेशा अपनी ध्यानियों के पास जाते हैं अगर पचास साठ गांव में ध्यान है तो हर गांव जाएगी hmm. और भेंट लेगी और आशीर्वाद देंगे और वापस आएंगे। जैसे अभी मैं नैनी माता के जात के विसर्जन गया था अच्छा। बटियाना गांव अच्छा। तो छह महीने में जितने जगह है जितने गांव है जहाँ आ रहती हर गांव गई भैंक लेके अर्षवादी और वापस आया और तब आखिर में जब विसर्जन हुआ तो ये ध्यानया जो थी वो भी उसके मूल जगह आई इट्स अ ग्रेट ट्रेडिशन अच्छा ये जैसे नंदा भी आपने विस्तृत काम किया ये ऐसा क्यों है कि नंदा को इन एरियाज के अलावा गढ़वाल के अलावा और इस क्षेत्र के अलावा और कहीं नंदा की पूजा नहीं होती है जबकि कृष्ण तो पूरे देश में पूजे जाते हैं बाहर पूजे जाते हैं और उन्हीं की बहन एक उसके हिसाब से उनकी बहन नंदा है तो नंदा की पूजा सिर्फ यही क्यों है इसके पीछे की क्या रीजन ये तो मेरे भी एक रहस्य है मेरे खास दोस्त भी भी है दाता राम पुरोहित जी वो माने है हम इसी बात के ऊपर निष्कर्ष कर रहे थे परसों क्योंकि अच्छा। तो नंदा जो है वो आपके कित्यूरी राजवंश के इंस्क्रिप्शंस तो हाँ उनके ताम्रपत्र ताम्रपत्र में उनकी उल्लेख है और काफी इत वेरी अर्ली स्टेज नोवा शताब्दी या नाइन्थ सेंचुरी में उल्लेख है और जो चंद चंदी हाँ। कुमार उनकी भी इष्ट देवी थी माने राजाओं के साथ एक विशेष संबंध थी शुरू से और नंदा देवी पर्वत पता नहीं कब से नंदा देवी पर्वत नंदा के नाम से शायद शुरू से ही लेकिन मैं इसका ठीक जवाब नहीं दे सकता हूं क्यों है? इतना, मैं इतना ये तो कह सकता हूं कि नंदा देवी दे की परंपरा यहाँ के राजवंशों से जुड़ी हुई है बहुत प्राचीन कालों से और मैं अपने ऑडियंस को ये भी स्टैब्लिश कर दूं जो लोग विलियम सैक्स जी को पहली बार सुन रहे हैं देख रहे हैं mm -hmm. विलियम सैक्स अभी जर्मनी में हैं वहाँ पर प्रोफेसर हैं टीचिंग में उनका लंबा अनुभव रहा है हार्वर्ड में आपने पढ़ाया है और भी कई जगह अध्यापन में रहे हैं चर्चित एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं इंडियन सब्जेक्ट्स पर आपको इस बातचीत से समझ आ ही गया होगा कि उनके कोर एरिया ऑफ स्टडीज उनका मानव विज्ञानी वो हैं और उनकी कोर स्टडी एरियाज पे हम लगातार बात कर रहे हैं नंदा पर उनकी किताब है भैरव पर उनकी किताब है डांसिंग गॉट लीला पांडव लीला पर उनकी किताब है इन सब सब्जेक्ट्स पर उनका काफी विस्तार से काफी विस्तृत काम है चौथी किताब अभी भी निकली अच्छा उसके बारे में भी कुछ बताए राजाकरण राजा राजा करण कर्ण अच्छा तो ये उसका कल्पना करना चाहिए आप जब नक्शा देखेंगे शिमला हिल स्टेट्स जी तो शिमला के आसपास पास एक छोटे छोटे ठकुराए हैं जी आप नक्शा में भी देख सकते छोटे हैं अच्छा प्री कॉलोनियल टाइम्स में माने अंग्रेज के राजों से पहले ये होता था कि हर जगह एक देवता से हर यू से वर्ल्ड एक देवता के uh, राज्य में अच्छा सत्ता में थे हाँ। यहाँ है फलाने देवताओं का राज है उसके पास ही फलाने देवता का गढ़वाल में भी बोलते हैं कि पहले गढ़ थे वो तो राजाओं के छोटे छोटे बावन गढ़ हाँ, हाँ। जिनको गढ़वाल बना लेकिन वो राजा नहीं थे वो देवता थे अपने मंदिर में बैठ के हाँ। देवता लो और बार बार उनके जो बोलने वाला है वो कहता है माली बाकी बक्या एक आदमी जिसके ऊपर वो देवता आता है माने वो देवता के साथ लगातार बातचीत करते कि हम फसल कब घाटे आदमियों के बीच में एक झगड़ा है झगड़ा का सलूशन क्या होगा और पहले बहुत लड़ते थे अपने साथ बहुत वो राजपूत एक प्रकार का राजपूत वहां है खून मैंने खून वो खूब लड़ते थे अपने साथ और देवता जो था वो निश्चय करता था कि लड़ना कब और समझौता कब करना वगैरह तो ये तो पुरानी सिस्टम था अब करीब करीब सारे जगहों में खत्म हो गए लेकिन एक घाटी है जहाँ वो सिस्टम अभी जीवित है और इस घाटी को चुन और देवताओं के नाम है करण और दुर्योधन तो मैं उन घाटी के ऊपर मैंने चुन लिया और असल में मेरी जो रिसर्च होते रहा से करीब करीब पचानवे तक अच्छा वो चमोली में था उसके बाद मैं रोब जिले में इस प्रोजेक्ट के ऊपर वो रिसर्च करने लगा और इसकी पुस्तक अभी अभी निकली भारत में भी उसका अवेलेबल होगा इतना महंगा नहीं होगा ये पुस्तक वो पुस्तक का नाम है कौरबों की घाटी में हाँ कौरबों की घाटी में पश्चिम हिमालय में देवताओं के राजा okay. बहुत इंटरेस्टिंग है वो कैसे चलते हैं वो और वहाँ के खास लोगों से मेरी मित्रता थी एक जो देवता का मैनेजर जो ये सारे संस्थाओं को चलाता है हुँ. और राजमोहन रामगढ़ जो देवता का वजीर है अच्छा एक जो माली है पोकू देवता वहाँ बहुत माना मान्य देवता है फोकू देवता उनके माली किताब सिंह और एक बाजगी था वहां वो अफसोस की बात है कि वो खत्म हो गए हैं बुलीदास और बुलीदास के नाम से मैंने किताब छपवाया क्योंकि अच्छा। उनसे इतना मैंने सीखा उनको आप सारे के परंपराओं के ऊपर अच्छा। इंटरेस्टिंग ये है कि लोग बोलते हैं कि ऊपर वाला देवता दुर्योधन बताते हैं वो दुर्योधन नहीं है हाँ, आपसे बहुत कंट्रोवर्सी है लोग झगड़ा हाँ, भी करते हैं बहुत, हाँ, बहुत एक है। एक साइड बोलता है है कि ये है, और दूसरा साइड बोलता है नहीं दर्योधन, महाभारत का एक ही नो मेरी, से, मेरी पुस्तक में इसके बारे में काफी रिसर्च करके वो देवता है सोमेश्वर हाँ ये समोसा सोमेश्वर यही हमने भी अभी कुछ समय पहले हम लोग भी वहां गए थे हर की दून वाले जो ट्रेडिंग ओसला गांव के कुछ लोग कुछ लो दुर्योधन का मंदिर है शायद कभी किसी ने एक बार इसको दुर्योधन के मंदिर की तरह से लिख दिया और तब से ये बात चल पड़ी कि ये दुर्योधन मंदिर है लेकिन अभी हमने वहां जाके जब लोगों से बात की तो लोगों ने हमें उसको यही बताया कि सोमेश्वर देवता का मंदिर है और लोग खुद को लिंक भी नहीं क्योंकि वो ऐसे बड़ा पॉपुलर हो जाता है कि क्या यहाँ दुर्योधन की पूजा होती है तो लोगों हाँ। तो आप थोड़ा सा उसमें और बताइए कि सोमेश्वर है क्या सोमेश्वर ये वही सोमेश्वर है जिनको महाशु का स्वरूप माना जाता है सब... कुछ लोग कहते हैं कि ये शिव के स्वरूप है नहीं सोमेश्वर 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 की कहानी ऐसी है और मेरी किताब में बहुत विस्तार से उनकी अच्छा। जो लोकगीत वगैरह कहानी मैंने जगह जगह जाके जैसे मैंने नंदा देवी के साथ किया या भैरव के साथ किया वैसे मैंने किया सोमेश्वर जगह जगह गया इकट्ठा किया रिकॉर्ड किया ट्रांसलेट किया सोमेश्वर देवता जो है वो बकरी वालों का देवता है वो एक आदमी है अच्छा और उस आदमी ने एक बार वो क्या बोलते हैं जीवन बूटी आ, संजीवनी, संजीवनी बूटी।, बूटी संजीवनी बूटी संजीवनी बूटी की रहस्य समझ गए क्यों क्योंकि यानी सांपों को देखा और जो देर बैठे वो सांप सांपों के ऊपर जाके एक सांप का सिर कट गया, कट गया। उनके कुटों से अच्छा फिर सांपनी ने क्या किया वो जाके एक घास लाए एक पुष्कार्ड की बूटी लाए और जोड़ा दिया और जीवित कर दिया अच्छा। उस सांप को उस आदमी ने रहस्य के अनुसार काफी बहुत उसका एडवेंचर्स हुआ अब किताब पढ़िए तब समझ में आएगा और उस बूटी के के बल पे और उस रहस्य को जान के उस आदमी ने धीरे धीरे वो देवता बन गया वहां के हाँ। और जगह जगह सारे मानी सोमेश्वर के खास मंदिर और मुझे याद है छह सात खास मंदिर है सब ऊंचे ऊंचे जगहों पे और मेरे जो खुली है प्रोफेसर दिनेश सकलानी जो हिस्टोरियन uh, है श्रीनगर में जी, जी. उन्होंने भी उनकी कहानी को कलेक्ट uh, किया और उनका विचार है उनका ओपिनियन uh, है कि इन लोगों ने कश्मीर से आए नॉट सो लॉन्ग अगो क्या लिखा मुझे आई एम नॉट श्योर सोलहवां सत्रवा शताब्दी में अच्छा. इस, देवत, इस देवता को लेके आए और बस गए ऊंचे ऊंचे जगहों पे ओके okay. um, तो ठीक है इसका इट्स इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी सो वो भी बहुत, बहुत खतरनाक देवता है हम्म और फिर मैंने ये प्रश्न उठा पुस्तक में कि लोग क्यों बोलते हैं कि दुर्योधन है हुँ. एक तो करण तो है हम्म और मेन देवता मेरे हैं उस पुस्तक में तो करण देवता है इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे महासू है हुँ. बहुत खतरनाक है हुँ. और जगह-जगह जाके मांगता है हम्म धन लाओ अनाज लाओ दूध लाओ और यहाँ की वहाँ की देवताएं जो करीब करीब ऐसे हैं लेकिन करण जो है वो क्या करते हैं वो दानी राजा है। वो देता है वो मांगता नहीं वो जगह जगह जाता खाना देता है ब्राह्मणों को खिलाता है गरीब लोगों को खिलाता है और करण के क्षेत्र में धन या सोना इकट्ठा करके बेंट अच्छा। जनता में और इत, ये कितना करण, सुंदर है जी कर्ण का क्षेत्र कौन सा है ये शिमला के आसपास वाला इलाका है नहीं वो है मोरी के ऊपर अच्छा मोरी के नेटवर्क मोरी नेटवर्क नेटवर्क खास नेटवर्क में दो मुख्य देवता हैं एक ऊपर करण हाँ। दानी राजा हाँ। जिनका इतना मैंने अच्छा लगता है मुझे हाँ। उनको लेता नहीं वो देने वाले हैं दाने राजा हाँ। और वहाँ बलिदान नहीं चलता है अच्छा बलि नहीं होती और कई रिवाज जो माने चलाए मान रहे बलिदान वगैरह वगैरह वहां मना किया बस बहुत की देव अच्छा और नीचे देवता है हाँ। जो जेड बहुत बहुत खतरनाक है आ, उनकी माले से भी अच्छी दोस्ती है किताब सिंह अच्छा आ, लेकिन उनका जो राज्य है मुल्क जिसको कहते हैं उनका मुल्क काफी छोटा है और वो स्वयं कहता है कि मैं छोटा देवता जब माले के ऊपर अच्छा उठता है तो मालिक का पहला शब्द है मेरा कुछ नहीं है ओ। क्योंकि वो साधु रूप में है जोगी के रूप में अच्छा और जब देवता मालिक के ऊपर आता है तो पहले भस्म लगाते हैं शरीर पे और जो जुनेव है उल्टा करते हैं जैसे साधु लोग पहनते हैं ऐसे करते हैं और जब देवता आता है तो सबसे पहले शब्द है मेरे कुछ नहीं है मैं जोगी हूं आपने डिस्टर्ब क्यों किया अच्छा दादा आपका रिसर्च वर्क जो रहा वो इतना फैसिनेटिंग सब्जेक्ट्स हैं आपने कई सारे एक्सपीरियंसेस आपको ऐसे भी रहे होंगे जिनका आपको यूएस में कोई कल्चरल बैकग्राउंड नहीं मिलता है सिमिलर उस तरह नहीं। का तो वो आपके लिए उसको पहली बार उसको एनकाउंटर करना देवी देवताओं वाली परंपरा देवते के अवतरण वाली परंपराओं इनको जो एनकाउंटर करने के शुरुआती अनुभव थे वो कैसे थे उस समय पे आप इसको कैसे समझ रहे थे जैसे नॉर्मली वेस्ट इसको ऐसे देखता है कि ये बहुत तो एक एक जनरल पर्सपेक्टिव है कि इट्स वेरी बैकवर्ड या इट्स वेरी ट्राइबल या इट्स वेरी बिकॉज ऑफ कि अभी ये लोग अवेयर नहीं है या वो नहीं है तो उस बैकग्राउंड से आके पहला आपका जो एनकाउंटर था जब आप देवता जात जा, देख रहे थे यात्राएं देख रहे थे डोलियां देख रहे थे मंडाण देख, देख रहे थे देवता का अवतरण देख रहे थे तो पहले पहले आपके जो एनकाउंटर्स थे वो कैसे कैसे परसीव कर रहे थे आप हाँ पहली वाली तो नंदा भगवती थी मेरी इष्ट देवी सतत की बात ही मैंने बताया रूप कौन गया वगैरह देवराम से मुलाकात हुई जी वो थी अक्टूबर में फिर जून सेवेंटी uh, एट में जून फिर गया नोटी एक दोस्त के साथ उस समय कोई रास्ता नहीं था पैदल गए ऊपर और uh, भगवती ने वो अवतरित हुआ किसी बुढ़े आदमी और खुश हो कि नाच नाच हमको ऐसे हैरान हो गए बाप बाप रे देखो कितना शक्ति, कितना शक्ति एनर्जी आ रहे है इस से। ये तो पहली बार थी और तब से माने ये देवभूमि में देवता जागृत थे ये मेरा एक्सपीरियंस है इतना पॉजिटिव है लोग पाश्चात्य देशों में जब लोग सुनेंगे कि किसी आदमी के ऊपर वो देवता आ गया वो समझेंगे बहुत बुरी चीज है क्यों क्योंकि ईसाई धर्म में हाँ। और इस्लाम में ये अवतरण नाचना पोजेशन जिसको कहते हैं वो हमेशा शैतान से नेगेटिव, नेगेटिव है उसका कोई पॉजिटिव एग्जाम्पल नहीं है हाँ। और जब मैं पढ़ाता हूं या लिखता हूँ तो पहला पॉइंट है कि नहीं ये बहुत पॉजिटिव है हाँ। लोग इन देवताओं को बुला रहे हैं और निमंत्रण दे रहे हैं जब देवता या देवी नहीं आता है तब तब है, बुरा माना जाता है तो चाहिए और इन देवताओं से वो आशीर्वाद मिलते हैं आ, लेकिन आपने जो कहा वो सही है हमारे पाश्चात्य कल्चरों संस्कृतियों में ऐसे बहुत कम होता है और मेरा कंक्लूजन ये है कि देवभूमि में आज तक देवी देवताएं जागृत थे जीते जी रहे हैं आंखों के सामने आते हैं बार बार और ये तो अच्छी चीज है खुशी की बात है और इट्स वेरी शुभ शुभ माना जाता है इसको तो ये ये पॉजिटिविटी देता है समाज में भी लेकिन इसको हम दो तरह से देख सकते हैं ये तो हुई कल्चरल एस्पेक्ट वाली बात एंथ्रोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी की अगर नजरिए से देखें तो बिल्कुल ये वाली बातें हैं एक है साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली जो हम बात करते हैं तो अगर वेस्ट के किसी भी आदमी से जिसका ये जिसने कभी एनकाउंटर नहीं किया या देखा नहीं है वो प्योरली इसको साइकोलॉजिकल अवतरण को उस तरह से देखेगा इस एस्पेक्ट से भी आपने कभी देखा या साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिहाज से भी आपने कभी डिकोड करने की कोशिश की कि कुछ एनर्जी सच में कुछ रोल प्ले करती हैं या आपकी जो आपकी अपब्रिंगिंग है पूरा जो समाज है उसमें साइकोलॉजी ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो तो मेरी मुख्य प्रश्न है जब मैं वैज्ञानिक और वैज्ञानिक वैज्ञानिकों से इंटरेक्ट करता हूँ या जब मैं किसी लेख को छपाता हूँ तो क्योंकि मेरे लिए भी एक प्रश्न है इस देवता जो अभी किसी आदमी के शरीर में नाच रहा है या हमारे प्रश्न का जवाब दे रहा है क्या है वो आदमी है जो करता है जो कोई शो दिखा रहे हैं ली अपने लीला अपने ड्रामा दिखा रहे हैं या उसका कोई दूसरी प्रकार क्या एक्सप्लेनेशन है या सचमुच वो देवता आया है ये मेरा भी मुख्य प्रश्न है और पहला पॉइंट है कि जो हरी से कन्वेंशनल वैज्ञानिक दृष्टि से वो उसका जवाब जैसे साइकोलॉजिस्ट है या मेडिकल आदमी जो शरीर को पता नहीं किसी प्रकार का कर, नाप करके इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न्स वगैरह नाप करके यू एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम देम उनकी जो तरीका है, है, है वो बहुत लिमिटेड uh, है जो प्योरली फिजिक प्योरली जो फिजिकल तरीका है इन चीजों इस जवाब इस सवाल को का उत्तर देने के लिए भौतिक uh, तरीके देर नॉट सफिशिएंट इट्स वेरी लिमिटेड और साइकोलॉजिकल भी अच्छा इसको कोई साइंटिफिक तरीके से प्रूव नहीं कर सकते हैं लेकिन हाँ, वो डिसप्रूव नहीं कर सकते हैं हाँ, वो जैसे भगवान के कंसेप्ट के लिए भी बोलते हैं कि हाँ, आप नीदर यू कैन प्रूव देयर इज गॉड नीदर यू कैन डिसप्रूव आप वो भी नहीं साबित कर सकते कि नहीं है मैंने भी कई जगहों में मैंने लिखा कि जब देवता बोलता है या देवी बोलता है और अगर गाँव या शहर के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सामाजिक संबंध है करीब करीब ठीक चल रहा है तो देवता क्या करते हैं वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को अर्टिकुलेट करता है ये मेरी थी थी कई जगहों में मैंने लिखा कि जो देवता है वो सामाजिक जो ओपिनियन uh, है सामाजिक धारणा uh, जो है समाज हाँ, की सामूहिक सामूहिक धारणा सामूहिक भाव चेतना हाँ को अर्टिकुलेट करता है uh, और मैं ये सही है मैं ऐसे मानता हूँ लेकिन उससे दिस लिमिटेड आंसर क्योंकि आ, यहां की मान्यता है कि नहीं ठीक है हो सकता है लेकिन वो जो देवी या देवता है वो एक प्रकार का कॉन्शियसनेस भी है hmm. वो एक बीइंग भी है जिनका अपना इतिहास है जिनका अपना कॉन्शियसनेस है और जब लोग पूछते हैं कि सचमुच देवी देवता आता है कि नहीं आता ये इसका मतलब ये है कि एक नॉट देफिक और मेरा जवाब है कि यू नॉट प्रूव इट बट नाइर कैन यू डिस एंड मेरे ख्याल से जब समाज मैंने ये देखा कि ये जो देवी देवता हैं खास करके जो करण के समुदाय में हुँ. एक मेन पॉइंट है हमेशा यहां भी कि जब कोई समस्या है सामाजिक समस्या है कोई झगड़ा लड़ाई झगड़ा होती है तो ये देवी और देवता सबसे पहले क्या बोलेंगे कि समाज एक है कि नहीं है हुँ. और जब प्रॉब्लम होता है तो अक्सर तो समस्या तो है, है कोई जमीन के ऊपर या सामाजिक संबंधों के ऊपर या किस चीज के ऊपर लड़ाई और देवता का सबसे पहला हुक्म है कि एक हो जाओ एक हो जाओ कि माने इट्स 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 मोरल मोरल एक हो जाओ तब बाकी सब कुछ मैं देखूंगा लेकिन सबसे पहले तुम मनुष्य लो एक हो जाओ और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है कि समाज की एकता और समाज का कोऑपरेटिव संबंध है ठीक मजबूत बका जाए और ये देवता का सबसे पहले हुक्म हमेशा एक हो जाओ छोटी छोटी पूजाओं में भी कोई भूत प्रेत आ गया कोई ये सो गया तो जो हुआ बुलाएंगे या किसी और को बुलाएंगे और जब देवता बोलता है तो सबसे पहले प्रश्न है कि परिवार एक है कि नहीं है और जब uh, जज की, की देवता जी नहीं झगड़ा हो रही है तब तो बोलेगा बाकी कि एक हो जाओ नहीं तो और भी खत्म हो और भी खतरनाक हो जाएगा आपने लिए। और भी खराब हो जाएगा सबसे पहले एक हो और ये एकता होना मैं उसको बहुत अच्छा समझता हूँ hmm. सरकार ठीक सरकार का भी एकता में गवर्नमेंट ऑल्सो वॉन्ट टू डू दिसर पीपल लेकिन सबसे शक्तिशाली एक्टर उसमें उसी का संदेश देते हैं okay. पिछले कुछ समय में दादा हमने ये देखा है नेशनली भी की uh, जिस तरह से चीजें चीजों का क्या कहेंगे उसको मुझे शब्द अभी सही नहीं सुलझ रहे लेकिन मेन स्ट्रीमिंग कल्चर कल्चरल मेन स्ट्रीमिंग भी बहुत सारी चीजों की हुई है जैसे अभी यही एग्जाम्पल सोमेश्वर वाला जो एग्जाम्पल है वो उसको भी शिव से जोड़ने की एक वो है लेकिन जैसा हम देखते हैं कि यहाँ के जो छोटे छोटे देवता हैं जैसे भैरव है जाक है ये सारे स्थानीय देवता हैं लोक देवता हैं इनका इनको सनातन से डायरेक्टली जोड़ने का या वैष्णव से जोड़ने का या जो बड़े समुदाय रहे हैं हिंदुज्म के उनसे जोड़ने का एक ट्रेंड आपने भी क्या ऐसा अपने जर्नी में महसूस में किया कि ऐसा हो रहा है धीरे धीरे कि लोक देवताओं की मेन स्ट्रीमिंग होने लगी है या जो हिंदुज्म के जो बड़े देवता हैं भगवान राम हुए कृष्ण हुए शिव हुए इनकी आ, इन्होंने कहीं तरह एक तरह से समाहित कर लिया हो जैसे लोक देवताओं को हाँ मैं तो छोटी देवताओं का भाग तो हूँ <laughs> और मेरे सारे रिसर्च जैसे आपने दूसरा सेगमेंट में छोटी देवताओं का भाग तो हूँ और ये तो छोटी स्थानीय देवताओं कभी कभी समटाइम्स दे आर थ्रेटेंड ना वैसे <laughs> तो परिवर्तन तो हो ही जाएगा होता ही रहता है और लोग कहते और जब कोई कहता है कि ये जो देवी है हमारी देवी वो काली का रूप है बात तो सही है काली की रूप तो है ही है लेकिन फिर भी अपना लोकल नाम है अपने लोकल इतिहास है और इस लोकल नाम और लोकल इतिहास को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि जो स्थानीय इतिहास है जो सामाजिक संबंध है एक गांव में या एक रीजन में इन देवताओं मेरे ख्याल से जो लोकल इतिहास और जो भाव है और जिस तरीके से लोग प्रत ये छोटे स्थानीय देवताओं के माध्यम से बहुत अच्छी तरह सम समझा जा समझ समझ जाता है समझ जाता है और और जो मेन ठीक है है तो अ, अ, कभी कभी जो स्थानीय देवी जैसे कच्चा है तो भैरव का रूप तो है ही है कच्चा भैरव ही बोलते हैं लेकिन वो कच्चा है और उनकी जो खासियत है ये है कि नीचे जाते के लोगों का देवता खास देवता है उसको बोलना नहीं चाहिए क्योंकि उनका एक प्रकार का रिसोर्स है उनके रक्षक हैं और आ, और ये दिन कभी नहीं आएगा जब लोग भूलेंगे कि ये हमारे देवता है कच्चा एक विशेष रूप है ऑफ़ का है। या कोई देवी है अपने के इतिहास है लोग को नहीं भूलना चाहिए कि उसकी स्पेसिफिसिटी है स्थानीय स्पेसिफिसिटी क्या होता है क्योंकि इन कहानियों में इन लोकगीतों में और इन पूजा की विधियों में लोकल की विशेषता है और इसको भूलना नहीं चाहिए नहीं। बहुत सुंदर है सुंदर चीज है इतना डिवर्सिटी है रंग बिरंगी संस्कृति है पहाड़ों में भी और जब ये स्पेसिफिक इतिहास या स्पेसिफिक तरीके या नाम देवताओं के आगे भूल जाए तो ये रंग बिरंगी पहाड़ी संस्कृति तो एक तरफ देन कम लेस कलर्स लो जी एक रंगी हो जाएगी हाँ ए, एक रंगी नहीं होना चाहिए राइट right. एक रंगी तो और देशों में चीन में हाँ। लेकिन भारत और मेरे लिए ये भारत की विशेषता हमेशा ये थी कि इतना रंग बिरंगे बाप रे बाप कितने जातियां हैं कितने धर्म हैं कितना भाषाएं हैं कितना संगीत की और बहुत अच्छी चीज है हाँ। सुंदर चीज ये भारत की गौरव हाँ। है उसको ए, एक एक सा बनाना नहीं करना चाहिए लोकल राइट को बच के और रिस्पेक्ट करके बचा के रखना चाहिए right. हम इंटरव्यू को रैप करेंगे लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा कि अभी आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं आपके या आपके अंडर में जो स्टूडेंट्स हैं आपके जो साउथ एशियन स्टडीज पे कल्चर पे इंटरेस्ट रखते हैं

और जैसे आप तो जानते होंगे इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़ा मुस्लिम देश है लेकिन एक द्वीप और लेकिन पहले शताब्दियों में वो हिंदू बौद्ध धर्म की देश के प्रचलित हाँ, अब खाली ये बाली बच्चे रहा जहाँ हिंदू संस्कृति अभी तक चलती है और जो तांत्रिक अ हैं वो सातवा और नौवा शताब्दी में बाली में आई बहुत पुरानी हस्तलेख हैं और कुछ न कुछ तांत्रिक लोग भी आजकल कल आप मिल सकते हैं जो उस तांत्रिक संप्रदाय को मानते हैं चलाते हैं और यहाँ देवभूमि में भी तो हमारे प्रोजेक्ट तीन चार पांच साल से चल रहा है कि उत्तरांचल उत्तराखंड में और बाली में तांत्रिक संप्रदाय की क्या हालत है क्या पुराने पांडुलिपियां हैं, क्या हस्तलेख हैं, कैसे प्रैक्टिकल में कैसे क्या करते हैं कैसे करते हैं लोग तो इस प्रोजेक्ट अभी चल रहा है इसलिए हमारे ये आजकल थोड़ा उसके ऊपर हम कर रहे हैं तांत्रिक मुकाबला नहीं तुलना तुलना कि इतने शताब्दियों के बाद भा, भारत में या उत्तराखंड में और, और बाली में क्या, क्या सामान्यता है क्या अंतर है अच्छा तो ये चल रहा है और उसके आगे बढ़ाना चाहते हैं तांत्रिक संप्रदाय ये काफी इंटरेस्टिंग है हम लोगों को इंतजार रहेगा कि <laughs> आपके कुछ पेपर्स कुछ किताब उसमें सामने आए और हम को देखें आपने मासा को अपना इतना टाइम दिया थैंक यू सो मच थैंक no, यू बहुत, to बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप लोग थैंक यू सो मच मानता हूं थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू सोच थैंक यू टॉकिंग टू वेरी